दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, उस देश के नियम और कानून के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसी के साथ ये वो देश है जहां पर आपको एक नर्क का द्वार मिलेगा। हालांकि सरकार इस गेटवे ऑफ हेल को बंद करना चाहती है। इस देश में खरबूजे को लेकर एक सार्वजनिक अवकाश होता है, जी हाँ, एक वेकेशन। इतना ही नहीं, इस देश में कुत्तों को लेकर कई खास नियम है। दोस्तों, ये एक इस्लामिक देश है, लेकिन इस देश के लोग हिंदी बोलना जानते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश के लोग हिंदी फिल्मों को देखना भी पसंद करते हैं। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने इस देश के लोगों के लिए ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए जिसके बारे में आज आपको सब कुछ पता चलेगा और आपको सुनकर हैरानी भी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सफर की, जो जा रहा है तुर्कमेनिस्तान की ओर। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान, जिसे तुर्कमेनिया के नाम से भी जाना जाता है, मिड एशिया में स्थित ये तुर्किश देश है। ये अपने बॉर्डर्स अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कैस्पियन सागर से शेयर करता है। तुर्कमेनिस्तान नाम फारसी से आया है, जिसका मतलब है तुर्कों की भूमि, और देश की राजधानी है अशगाबाद। इसको प्यार का शहर भी कहा जाता है, यही इस शब्द का ट्रांसलेट भी है। दोस्तों, अशगाबाद यानी कि इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, खूबसूरत भी बहुत है। ये 6 स्वतंत्र तुर्क राज्यों में से एक है। दोस्तों, लगभग 6.5 मिलियन की आबादी के साथ तुर्कमेनिस्तान एशिया में 35वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मिड एशियाई देशों में इसकी आबादी सबसे कम है, जबकि ये एशियाई महाद्वीप पर सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। इस देश में 93% लोग इस्लाम को मानते हैं, इसलिए ये एक इस्लामिक देश बन गया। हालांकि यहाँ पर 6.4% लोग ईसाई धर्म को भी मानते हैं। इस देश का टोटल एरिया लगभग 491,210 किलोमीटर है और यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा मानत है। दोस्तों, ये देश बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, इसका कहीं ना कहीं कारण इस देश का इतिहास भी रहा है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में 1991 से 2006 तक पूर्व राष्ट्रपति सपल मारूद नियाजोव का शासन रहा। इसके बाद राष्ट्रपति गुरबागुली के हाथ में बागडोर चली गई। तुर्कमेनिस्तान में वीजा व्यवस्था इतनी मुश्किल हो गई कि यहाँ पर्यटकों की अधिक संख्या नहीं आ पाई। देश में पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण इस देश का लंबा विकास नहीं हो पाया, यानी कि यहाँ पर टूरिज्म से आने वाला पैसा ब्लॉक हो गया। तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों को खुलकर बोलने और घूमने तक की आजादी नहीं मिली। इस देश में फोटोग्राफी को भी बैन कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति नियाजोव द्वारा युवाओं के दाढ़ी को लेकर भी अजीबोगरीब फैसले लिए गए। यहाँ युवाओं की दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर पाबंदी लगाई गई। हालांकि तुर्कमेनिस्तान में 70 साल से अधिक वर्ष के पुरुष ही दाढ़ी रख सकते थे, जवानों को दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं था। इन अजीबोगरीब नियमों के अलावा इस देश में एक जगह ऐसी भी है जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती है। तुर्कमेनिस्तान में एक गेटवे ऑफ हेल भी है, जिसे गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है। नरक का दरवाजा एक विशाल गड्ढा है दोस्तों, जो लगभग 230 फीट चौड़ा है। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान में खरबूजों के लिए एक ऑफिशियल छुट्टी होती है। अगस्त के महीने में हर दूसरे संडे को लोग राष्ट्रीय तरबूज दिवस या खरबूज दिवस मनाते हैं। यही नहीं, तुर्कमेनिस्तान में गंदी कारों को लेकर भी सख्त नियम बन गए हैं। दोस्तों, देश की राजधानी में काली कार नहीं रख सकते आप, साथ ही यदि गाड़ी गंदी हुई तो भुगतना पड़ेगा जुर्माना। इसके लिए बाहरी इलाकों में कई कार वॉशिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं। आप खुद को तो गंदा रख सकते हैं, लेकिन कार को गंदे रखने का हक आपको बिल्कुल नहीं देता ये देश। दोस्तों, इन उल्टे सीधे नियमों के अलावा भी इस देश में बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात ये है कि यहाँ के लोगों को टूटी फूटी सही लेकिन हिंदी बोलनी आती है। यहाँ के लोगों को हिंदी फिल्में बहुत पसंद है। जी हाँ, आपको पता है, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री तुर्कमेनिस्तान यात्रा पर गए थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बच्चों ने प्यारा सा हिंदी गीत हमारे पीएम को सुनाया था, जिसे सुनकर पीएम तो काफी खुश हो गए थे। दोस्तों, टूरिज्म को लेकर ये देश बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। यहाँ पर हर साल कुछ हजार लोग ही एज अ टूरिस्ट आते हैं, और कुछ खास जगह है जिसको विजिट करते हैं। दोस्तों, इस देश की सबसे खास जगह है काराकुम रेगिस्तान। काराकुम रेगिस्तान, जिसे हर कोई जानता है, जो देश के अधिकांश क्षेत्र पर फैला हुआ है, ये दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है दोस्तों, जो रेत और सूखे का क्षेत्र है। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि आबादी का लगभग 7वां हिस्सा अभी भी काराकुम रेगिस्तान में रहता है। यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई होता है
और काफी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पर लोग रहते हैं। दोस्तों, ये है निसा का प्राचीन शहर। अशगाबाद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है ये प्राचीन शहर निसा। यहाँ की प्रसिद्ध खंडरों के माध्यम से आप इस देश का इतिहास जान सकते हैं। ये जगह पार्थियन राज्य की पूर्व राजधानी भी थी और एक समय शहर के पुराने हिस्से में बहुत सारी महल और मंदिर की इमारतें थी। साथ ही एक खजाना भी था, शराब और भोजन के लिए विशाल भंडार भी थे, गोदाम भी थे। साथ ही किले की दीवारें अच्छे से बनाई गई थी। उनकी मोटाई लगभग 8 से 9 मीटर थी दोस्तों, जिसकी बदौलत प्राचीन निर्माणों के अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। इस जगह पर आपको इस देश का इतिहास बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। दोस्तों, ये है तुर्कमेनबाशी रूही मस्जिद, मध्य एशिया की सबसे बड़ी एकल गुम्बदकार मस्जिद। आकार में बहुत ज्यादा इफेक्टिव। इसका क्षेत्रफल लगभग 18,000 वर्ग मीटर है और हॉल लगभग 10,000। निचला हॉल पुरुषों के लिए है और बालकनी महिलाओं के लिए है। यहाँ पर लगभग 7,000 पुरुष और 3,000 महिलाएं बैठ सकती हैं। और ये पूरी मस्जिद सफेद संगमरमर की बनी है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। दोस्तों, ये है नरक का द्वार। दोस्तों, इसे गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है और नरक का दरवाजा भी। ये एक बहुत बड़ा विशाल सा गड्ढा है जो 230 फीट चौड़ा है। ये गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार जल रहा है। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें बड़ी आबादी समा सकती है। तुर्कमेनिस्तान के जो भूवैज्ञानिक है उनके अनुसार ये विशाल गड्ढा 1960 के दशक में बना, लेकिन 1980 के दशक में ही इसमें आग लगी थी, यानी लगभग 20 सालों के बाद। जी हाँ, इसके जलने पर निकलने वाली जो मिथाइल गैस है और जो सल्फर की गंध है वो काफी दूर तक जाती है। ये आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें कई मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। गड्ढे के भीतर खोखली हुई मिट्टी भी दिखती है दोस्तों। दोस्तों, ये नर्क का द्वार काराकुम रेगिस्तान में ही है। देश का लगभग 70% इलाका इसी रेगिस्तान के क्षेत्र में आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट अब गेटवे ऑफ हेल को बंद करना चाहती है। इसके लिए वो अपने प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग कर रही है। हालांकि ये कब बंद होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी।